So now it is ensured that I am audible in all classes. So by the grace of Almighty, we are here again in front of each other to share our knowledge. Everybody will try to participate. कुछ बच्चों से पर्टिकुलरली नाम से पूछूंगा और कुछ ओपन क्वेश्चंस होंगे जो कोई भी जवाब दे सकेगा, राइट? लास्ट टाइम वी डिड द इंट्रोडक्शन ऑन लेसन. टुडे वी हैव टू कंसिडर सर्टन रूल्स अकॉर्डिंग टू विच रे डायग्राम्स इन द लेंसेज कैन बी रीड. बुक रे डायग्राम्स इन द लेंसेज हाउ इट इज मेड. सभी बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, ये हेडिंग बेटे लाइट कंटिन्यूड फिकल्टी धीरज विशेष और वी आर कंटिन्यूइंग विद लेंसेज. शाबाश. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन द हेडिंग. सभी बच्चे डेट जरूर डालेंगे. लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर. शाबाश बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय. शाबाश एवरीबॉडी. व्हाट इज मेंट बाय रे डायग्राम फॉर ए लेंस. व्हाट इज मेंट बाय रे डायग्राम फॉर ए लेंस. शाबाश. एवरीबॉडी विल राइट डाउन द आंसर. पहले समझ लो बच्चे. देखो लेंस लुक हियर, ध्यान से सुनो. प्रेजेंटली आई एम होल्डिंग अ लेंस इन माई हैंड, और अगर ये मैं रिमोट को, एसी का रिमोट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, ये लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है और कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखने से इसका इमेज कितनी दूर बनेगा. फिर से सुनो, लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखने से ये इसका इमेज कितनी दूर बनेगा, पहली बात. दूसरा, ये इमेज रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये ऊपर को मुंह करके बनेगा अपराइट इरेक्ट और या फिर उल्टा लटक के बनेगा. इन सारी बातों की नॉलेज जो देती है डायग्राम, सर्टन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको रे डायग्राम बोलते हैं. अब हम इसको लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना. लिखो, रे डायग्राम इज दैट डायग्राम. रे डायग्राम इज दैट डायग्राम विच टेल्स अस, टेल्स पोजिशन एंड नेचर, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट स्पेसिफिक पोजीशन, एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ
गिवन लेंस, ऑफ गिवन लेंस। लुक हियर, मैंने लिख भी दिया बेटे सारा, सभी बच्चे देख के लिख सकते हैं अगर फास्ट बोला गया। गिवन लेंस का क्या मतलब है बेटे? गिवन लेंस का मतलब है कि हमें दिया जाने वाला लेंस कॉन्वेक्स भी हो सकता है एंड इट कैन बी कॉनकेव आल्सो, दोनों में से कोई हो सकता है। कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर स्पेसिफिक पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब है, तो टीचर क्या बताएंगे उसको बेटे? उसको ऐसे बताएंगे टीचर कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस या पोल के बीच में कहीं पड़ा है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पड़ा है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पड़ा है। कहां पर पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट? यहां पड़ा है, यहां पड़ा है, या यहां पर, या फोकस के ऊपर ही पड़ा है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही पड़ा है? ये मतलब होता है स्पेसिफिक पोजीशन का। अब रे डायग्राम बनाने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स, उन रूल्स को हम सिखेंगे डायग्राम से, फिर रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम? व्हाट आर द रूल्स टू मेक रखिए रे डायग्राम? शाबाश, व्हाट आर द रूल्स टू मेक अ रे डायग्राम? देखते हैं कौन सा बच्चा टीचर से बेटर हैंड राइटिंग से लिखता है। ये भी एक कंपटीशन होता है कि टीचर का हैंड राइटिंग अच्छा है या आपका अच्छा है। शाबाश, लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखो बेटे, अब सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज। कोई बच्चा पेन नहीं पकड़ेगा, ना कोई और अपने पाउच में से ज्योमेट्री बॉक्स में से कुछ निकालेगा ना डालेगा, और टेबल पे क्लटर नहीं होना चाहिए, सिर्फ नोटबुक और पेन होना चाहिए, बुक वगैरह सारी बैग। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें। लुक हियर बेटे, शाबाश, मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसके बीच वाले पॉइंट को ओ से लिखा। ओ पॉइंट को बोलते क्या है? लेट मी आस्क सेवंथ ए कबीर, प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ ए किरत ज्योत, प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ ए पे कबीर और किरण ज्योत। हाँ बेटे, आप मेरे को बताओ ओ पॉइंट को क्या बोलते हैं? व्हाट वॉज इट्स नेम? लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था, स्पीक आउट, माइक ले लो। नो फोकस नो नो, फोकस तो एफ होता है। ओ पॉइंट, ओ पॉइंट बेटे, ध्यान से सुना नहीं लास्ट टाइम बेटे, या तो रिवाइज नहीं करा आपने। किरत ज्योत बताएगा बच्चा, किरत ज्योत, बहुत से बच्चे, हाँ किरत ज्योत, बहुत से बच्चों के हाथ खड़े हैं। ऑप्टिकल ऑप्शंस सेंटर, करेक्ट, शाबाश। ओ स्टैंड फॉर, एक बार फिर से बता देता हूं क्योंकि मेरे बच्चे छोटे सारे उम्र के बच्चे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। शाबाश, अब ध्यान से सुना, ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगाया, इस लाइन को बेटे हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देन इस लेंस के दोनों तरफ मैंने व्हाइट कलर से दो पॉइंट लगाए,
उनको इक्वी डिस्टेंट लगाने होते हैं, जितना इधर उतना ही उधर। इनको फोकाई बोलते हैं, फोकस का प्लूरल फोकाई। और जितना ओ से एफ दूर है उतना ही एफ से दूर होता है सी, इधर भी और इधर भी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ स्टैंड फॉर बेटे फोकस, बोलना नहीं होता, लास्ट टाइम बताया। सी टाइम स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी ए का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। आप सुनोगे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, इसके लिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, ध्यान से देखना। अगर योर अटेंशन, अगर मेरा ऑब्जेक्ट, लेट मी रीचेक, यस आ गया। अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट हो बेटे और मैंने स्पेसिफिक पोजीशन पे इन फ्रंट ऑफ लेंस रख दिया, यहां से जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, एक बच्चा मेरे को बोलता है सर अगर ये ऑब्जेक्ट निडल हो मान लो, या पेन हो या कॉपी हो, तो कॉपी से रे ऑफ लाइट थोड़ी निकलेगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेट। अगर कैंडल जग जग रहा है उससे तो रे ऑफ लाइट निकल सकती है। इसका जब हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, इसका मीनिंग ये होता है कि बल्ब, कोई बल्ब लगा हुआ है कमरे में लेबोरेटरी में, उसमें से लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरी और उससे टकराकर लेंस की तरफ गई, ये मतलब होता है। तो ऑब्जेक्ट पर लाइट किधर से गिरी हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट से टकरा के जब रे ऑफ लाइट लेंस की तरफ चलती है, हम वो रे ऑफ लाइट दिखाते हैं। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई, और ये रे ऑफ लाइट इज, खास बात क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक बच्चा बोलता है सर मेरे को पैरेलल का मतलब नहीं पता। बेटे पैरेलल का मतलब होता है ग्रीन लाइन और येलो लाइन में जितनी दूरी यहां पर, जितना गैप यहां पर, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही यहां, उतना ही, सारी जगह पर गैप बराबर है। मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है ग्रीन और येलो लाइन में, यहां भी 5, यहां भी 5, सारी जगह 5 है, तब ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट लेंस से पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, तो लेंस में गुजरने के बाद वो फोकस में से जाएगी, ऐसे, ये पक्का रूल है। शाबाश, फर्स्ट रूल राइट डाउन। द इंसिडेंट रे ऑन लेंस, द इंसिडेंट रे ऑन लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कॉमा, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस कॉमा गोज थ्रू फोकस पॉइंट, गोज थ्रू फोकस पॉइंट। ये थे रूल नंबर वन। मेरे को उम्मीद है आपने डायग्राम बना लिया होगा, या बाद में बना लेना। अब रूल नंबर सेकंड पे आ जाओ सारे बच्चे। देखो अगर आप दोनों चीजें इकट्ठी करोगे, डायग्राम भी बनाओगे और समझोगे, भी शायद नहीं समझ आएगा। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। आई हैव मेड द लेंस वंस अगेन एंड आई हैव ड्रॉन द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड आई हैव शोन द फोकस पॉइंट ऑन बोथ साइड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ। आई हैव शोन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ साइड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ। नाउ द टीचर इज शोइंग द ऑब्जेक्ट इन येलो कलर। ओके, सो व्हाट इज द रूल, रूल इज सुनो। नाउ द इंसिडेंट रे विल गो थ्रू द फोकस,
लुक हियर, इट इज गोइंग स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू द फोकस, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द लेंस। रूल क्या कहता है? जो लाइट पहले ही फोकस में से गुजर जाएगी, वो लेंस के पार होने के बाद ये व्हाइट वाली जो स्ट्रेट लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल जाएगी। लुक हियर, येलो और व्हाइट लाइन में गैप बराबर है, देखो। इट मींस येलो एंड व्हाइट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस और पास थ्रू लाइन, बोथ आर पैरेलल। रूल क्या है? अगर इंसिडेंट लाइट फोकस के थ्रू जाती है, तो लेंस के गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सभी बच्चे लिखो, शाबाश। इफ द इंसिडेंट रे, शाबाश शाबाश, इफ द इंसिडेंट रे इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, फॉल्स ऑन द लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस, कॉमा कॉमा इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल नंबर थ्री सुनो बेटे, रूल नंबर थ्री, शाबाश। रूल नंबर थ्री बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैंने ग्रीन कलर से कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर लगाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ओके, और यहां पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब रूल सुन लो, शाबाश, वेरी सिंपल रूल है ये तो। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, लेंस के बीच में से पार करते हुए ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, वो कभी भी मुड़ती नहीं है, स्ट्रेट चले जाती है। योर अटेंशन, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज डायरेक्टली इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, लिख लो शाबाश। द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू लेंस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू लेंस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर गोज इन द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन, गोज इन द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन। इनको बोला 7th B फर्स्ट रो थर्ड बेंच गर्ल्स थ्री इनको बेटे, बोला 7th B में फर्स्ट रो में थर्ड बेंच पे थ्री गर्ल्स बैठी है, इनका बिल्कुल भी पढ़ने में ध्यान नहीं है। शुड आई क्लिक द फोटोग्राफ एंड सेंड इट टू द प्रिंसिपल बाय व्हाट्सएप? शुड आई डू दैट? 7th C, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, और इफ इट इज ऑन प्लीज टर्न इट टू द क्लास साइड। आई एम नॉट एबल टू सी क्लास 7th C। 7th C के कैमरे की डायरेक्शन सही नहीं है। ओके, क्या लैंग्वेज है इसकी? एनी इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन द लेंस थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर गोज इन द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन, गोज इन द सेम स्ट्रेट लाइन विदाउट डेविएशन। ये रूल्स होते हैं बच्चे, करेक्ट? और इसमें और टर्मिनोलॉजी सुनो शाबाश। ओ से लेकर एफ तक के दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ, कल बता दिया था। ओ से लेकर सी तक की दूरी को
सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सभी बच्चे लिख दें अगर नहीं पता। स्मॉल एफ स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड कैपिटल आर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ, कैपिटल आर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। हाँ अब बच्चे हम रे डायग्राम के रूल्स सीख लिए, अब हम रे डायग्राम बनानी सीखते हैं। पर एक बात और बताना चाहूंगा, शाबाश, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है इसको 2F भी बोल देते हैं, क्योंकि देखो यहां से यहां तक F, उससे डबल डिस्टेंस पर O से लेकर C तक डबल डिस्टेंस होता है। देखो R इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, इसलिए भी बोल रहे हैं। C को किसी 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 जगह पर 2F भी बोल देते हैं, लेकिन इसका असली नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। सभी बच्चे देखें, अब आगे लिखोगे, शाबाश, हाउ टू मेक द रे डायग्राम एज पर रूल्स, हाउ टू मेक द रे डायग्राम एज पर रूल्स। एक बात की बहुत खुशी है मेरे को, सभी बच्चे प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठे हैं, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर्स कोऑपरेटिंग मी। शाबाश बेटे, हम रे डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, योर अटेंशन। मान लो ये वाली चीज ले लेते हैं, योर अटेंशन, ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है, जब भी हमें इमेज सॉरी रे डायग्राम बनानी है तो ऑब्जेक्ट से कम दो रेज ऑफ लाइट जरूर निकालें। कितनी? टू, लिख लो, टू मेक द रे डायग्राम, शाबाश, टू मेक द रे डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट टू इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, वी हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट टू रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब सुनो बेटे कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। सेकेंड रेज ऑफ लाइट बनाने लगा हूं, बच्चा मेरे से पूछते हैं, सर एक तो आपने वही ले ली रूल वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से निकाल दी। मैंने कहा बिल्कुल सही, दूसरी कौन सी लोगे, योर अटेंशन इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, दूसरी रे ऑफ लाइट चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ये ले लो चाहे ये लो, कोई भी ले लो, एक ही डायग्राम में बना दो। मान लो हम ये थर्ड वाली लेते, ध्यान से देखना, मैं व्हाइट कलर से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकाल रहा हूं स्ट्रेट लाइन। देखो ऐसे निकाली, और ये बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है आपने, मोड़नी नहीं है, गई 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 गई, यहां गई, और उधर से ग्रीन लाइट तो आ ही रही है दूसरी वाली, उसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। देखो ये गई 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 गई, मोड़नी नहीं है बेटे, चाहे कहीं भी चली जाए डायग्राम, लाइट को लंबा जरूर करी जाना पर मोड़ना नहीं है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हो। ये देखो यहां पर जाके दोनों ने कट कर दिया, करा या नहीं बेटे? ये देखो ग्रीन लाइट स्ट्रेट लाइट, ये कट आ गया, जहां पर कट आ गया वहां पर हमने इमेज बना देना है। देखो टिप से चली है ना रेज ऑफ लाइट, तो कट करने पर टिप ही बनेगी, है टिप मीन्स हेड। तो बच्चा कहेगा सर इमेज इतना बड़ा? यस, इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ऑल डिपेंड्स अपॉन के ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ। तो बच्चा मेरे से पूछते हैं, सर क्या मैं ये याद कर लूं कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होता है तो
तो इमेज उल्टा बनता है इन्वर्टेड, और इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा बनता है मैग्निफाइड, और क्योंकि असली रेज ऑफ लाइट वहां पहुंच रही है कट के ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर, तो मैं क्या इस इमेज को रियल भी बोल सकता हूं? यस, तीनों बातें बोल सकते हैं, मैग्निफाइड, रियल, इन्वर्टेड। लेकिन कब? लेंस कौन सा हो? कब? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? बिटवीन सी एंड एफ। लिखो सारे बच्चे, इफ, शाबाश, लिखो बेटे, लिखो लिखो, ये डायग्राम बाद में बनानी है आपने। इफ लेंस इज कॉन्वेक्स, इफ लेंस इज कॉन्वेक्स एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ पॉइंट्स, देन इमेज विल बी, शाबाश। ये देखो मेमोरी टूल क्या लिख दिया, आई एम आर, इमेज नेचर विल बी आई एम आर। एडमिन कोई बता सकता है आई एम आर स्टैंड्स फॉर एनीबॉडी? मैग्नीफाइंग हाँ बताओ, जिस जिसका भी हाथ खड़ा है माइक पे आ जाओ। किसी भी क्लास में कोई भी बच्चा माइक पे आए और मेरे को आई एम आर का मीनिंग बताए। इनवर्टेड मैग्नीफाइड एंड रियल वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज योर गुड नेम सर खुशप्रीत। बेटे? खुशप्रीत के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, देखो कितना कॉन्फिडेंट और सही आंसर था। वेरी नाइस, दे अच्छे से क्लैपिंग होनी चाहिए, ऐसे गंदी वाली नहीं। इफ वी प्रेज ए परफॉर्मर देन वाई वन डे वी ऑल्सो टर्न ए परफॉर्मर। शाबाश, सभी बच्चे लिखेंगे आई स्टैंड फॉर एरो लगा के, आई स्टैंड फॉर इन्वर्टेड, एम स्टैंड फॉर मैग्निफाइड, आर स्टैंड फॉर रियल। इन्वर्टेड मैग्निफाइड रियल। और गौर से देखो बच्चे, मैंने इनको अल्फाबेटिकली लिखा है, आई एम आर। इस तरह से आपको ये रे डायग्राम बनानी आई। एक और देखो, आप ध्यान से देख, सुनना बच्चे, अगर कभी मैं ऑब्जेक्ट को, योर अटेंशन, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दूं, तो इमेज जो बनेगा वो बराबर के साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट। बना के दिखाता हूं, पहले लिख लो। इफ इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ इन फ्रंट ऑफ लेंस, इफ इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज विल बी इक्वल साइज्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। ये देखो मेमोरी टूल, ई आई आर, इक्वल साइज्ड, इन्वर्टेड, रियल। कोई बच्चा कहता है सर मेरे को बना के दिखा सकते हो? यस, व्हाई नॉट, योर अटेंशन। अब टीचर बनाने लगे हैं, जिसने ये समझ लिया तो देखो क्या बताया था टीचर ने, कितनी रेज ऑफ लाइट बनानी है रे डायग्राम के लिए? दो या तीन या चार? कितनी? दो। फिंगर से बताओ कितनी, सारे बच्चे बताओ, रेज योर फिंगर्स, हाउ मेनी रेज आर मिनिमम रिक्वायर्ड? टू। शाबाश, डाउन 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 डाउन। सेवंथ बी के दो बच्चे आ जाएं, लवदीप और जिनीशा, माइक पे आ जाएं, लवदीप और जिनीशा। शाबाश, बाकी बच्चे इधर देखो, तो एक तो रे ऑफ लाइट हमारी बनी हुई है, ये कौन सी, ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही और ये स्ट्रेट लाइन निकल गई।
देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है हमारा बेटे, ओ से लेकर एफ तक, एफ से लेकर सी, एग्जैक्ट सी के ऊपर देखो। टीचर ने क्या लिखा है, इमेज इसके बराबर का बनेगा, लेकिन बनाया नहीं अभी। अब कैसे बनाए, चाहे ये रे डायग्राम बना दो, ये वाली रे उठा लो चाहे ऊपर वाली, ये चाहे ग्रीन वाली उठा लो चाहे येलो वाली, कोई एक रे यहां पर बना दो, चाहे ऊपर वाले फिगर की ग्रीन उठा लो चाहे नीचे वाले की येलो उठा लो। मान लो मैं ग्रीन उठाता हूँ बेटे, है ना, ग्रीन उठाऊ, लेकिन मेरे को इधर भी तो फोकस बनाना पड़ेगा, जितनी दूर इधर फोकस उतनी दूर उधर, एग्जैक्ट होना चाहिए जितनी दूर इधर। देखो मेरे पास स्केल नहीं है, इवन देन मैं आपको सही बना रहा हूं, देखो ऐसे करके देख लिया राइट। अब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल जाती है तो कहां से गुजरती है मेरे बच्चों, फोकस में से, ये फोकस में से गुजरी, ये देखो यहां कट हो गया, जहां पर कट हो गया देखो यहां पर कट हो गया बेटे, यहां पर जब कट हो गया, इंटरसेक्शन होगी दोनों रियल रेज की, तो मेरे पास ये इमेज बन गया पिंक। देखो ये मैंने इस कलर में बना दिया अलग से इमेज। अब गौर से देखो, ग्रीन और ये दोनों बराबर के साइज के दिखते होंगे, स्केल से बना के परफेक्ट परफेक्ट इक्वल दिखेंगे, ठीक है। देखो और ये देखो, जितना ओ से एफ दिख रहा है उतना ही एफ से सी होता है, और इसका मतलब जितना यू का डिस्टेंस है, यू का कौन सा होता है ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस ओ से क्या होता है वी, ये कर्ण करा था हमने, तो लिख लो शाबाश लिख दो। व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट्स विल बी इक्वल इन साइज, शाबाश, व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल एंड साइज, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट आल्सो फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। और ये इमेज की नेचर क्या है, ई आई आर। हाँ बेटे मैंने बताया था, ये दो बच्चे बुलाए थे लवदीप, लवदीप माइक माइक पे आ गया, लवदीप बेटे जी आप ये मेरे को बताओ, ई आई आर का क्या मतलब, मेमोरी टूल ई आई आर, इमेज हाँ जी इक्वल यस, इमेज इक्वल के बाद आई से इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग, इक्वल साइज्ड बोल के, इक्वल साइज्ड बोला था, इक्वल साइज्ड इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, प्लीज सिट डाउन। इस तरह से हमने रे डायग्राम बनानी सीख ली, कितने बच्चों को रे डायग्राम बनाने का तरीका, बैठ जाओ बाकी बच्चे बैठ जाओ, जनीशा आप भी बैठ जाओ, बच्चे कितने बच्चों को हमें ये रे डायग्राम ऐसे लगता है कि हाँ यार मेरे को समझ आ गया, प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड, शाबाश अगर आपको लगता है, वेरी गुड वेरी, थोड़ी ऐसे, लेकिन समझ आने के बाद प्रैक्टिस भी करनी होती है। अगर आप दूसरे बच्चे को देख लो, यार साइकिल कैसे चला रहा है, ओके ऊपर बैठ जाओ ऐसे पेडलिंग करो तो साइकिल चलता है, लेकिन साइकिल देखने से साइकिल कैसे चलाना समझ तो आ जाता है, पर खुद साइकिल चलाने के लिए क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसी तरह जब टीचर ने रे डायग्राम बनाया, आपको रूल समझ आ गया, रे डायग्राम समझ आ गई, आपको लगता है यार मैं बना लूं, लेकिन पक्का यकीन खुद पे कब करना है कि मैं बना लूंगी, जब क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन नियर परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन नियर परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तो परमात्मा ही होते हैं बेटे। इस तरह से हमने आज लेंसेस का वो बनाया, रे डायग्राम, ठीक है। एक रे डायग्राम हम कॉनकेव लेंस का बना लेते हैं, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट होता है मैंने बना दिया, कॉनकेव लेंस का बनाते हैं,
इन एक बात याद रहे, ये मैंने देखो लाइनें ड्रा कर दी हैं, ये देखो इस कलर से, ये तीनों रूल्स भी बनाए, देखो अलग अलग दिख रहे हैं, क्लियर। अब अगर बच्चे मैं आपको इरेज करूं, चलो सेव कर लेते हैं, अब हम कंकेव रेड लेंस पे रे डायग्राम बनाते हैं। सभी बच्चे लिखो, हाउ टू मेक द रे डायग्राम फॉर कंकेव लेंस। ये थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से, हाउ टू मेक द रे डायग्राम फॉर कंकेव लेंस। सभी बच्चे हेडिंग देंगे, इसके लिए मैं पूरे बोर्ड के ऊपर एक ही फिगर बनाऊंगा, फिर फुल साइज। सभी बच्चों का पेन डाउन होना चाहिए, डाउन, बिल्कुल डाउन। याद रहे मैंने इसके इसी डायग्राम पे बाद में क्वेश्चन पूछने। एवरीबॉडी शुड बी अटेंटिव, योर अटेंशन। जनीशा बेटे आप बताओगे ये मैंने कौन सा लेंस बनाया है और इसकी पहचान कैसे करते हैं, क्या नाम है इसका, पहचान क्या होती है इसकी, कंकेव लेंस कि और इसकी पहचान क्या है, अगर मैंने ये दोनों लेंस उठा लिए इसकी पहचान क्या थिकर फ्रॉम द साइड्स एंड थिनर फ्रॉम द सेंटर। है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इट इज थिकर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस एंड थिनर फ्रॉम द सेंटर। साइड व्यू इस लेंस का ऐसे दिखेगा, और अगर मैं इधर से जाके ऐसे देखूं फ्रंट व्यू, तो वो होएगा सर्कुलर। ओके अच्छा, अब ये बच्चा आ जाए बोर्ड पर, माइक पर, हितेन और जसमीत दोनों आ जाए, हितेन और जसमीत। शाबाश बेटे, आप टीचर को ये बताओगे कि आपका टीचर जो इस वक्त स्ट्रेट लाइन लगा रहा है, उस लाइन का नाम क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। दूसरा बच्चा आ जाए, आपने बेटे ये बताना है कि अगर टीचर ने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये ऐसे चीज दिखा दी और साइड पे ओ को ब्रैकेट में लिख दिया, तो ओ का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिखो ओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ऑप्टिकल सेंटर। ओ नो नो, यही तो प्रॉब्लम है, तभी तो मैंने पूछा है। ऑप्टिकल सेंटर सिर्फ लेंस के अंदर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर तभी तो उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दिया, साइड छोटे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ऑब्जेक्ट साइज, बैठो बैठो। सेवंथ डी में दिलप्रीत और समृति माइक पे आ जाएं, दिलप्रीत और समृति माइक पे आ जाएंगे। बेटे आप मेरे को ये बताओगे, समृति, समृति माइक पे, आपने मेरे को यह बताना है कि ये जो टीचर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ड्रा कर रहे हैं लेंस की तरफ, इसकी खूबी क्या है, व्हाट इज इट्स करेक्टर, ये इंसिडेंट रे को आप क्या बोलोगे। शाबाश, इस डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट के, मैं बोलता हूं ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे गई है, टीचर ने ओ के थ्रू नहीं दिखाई, टीचर ने इधर को नहीं दिखाई। पैरेलल टू प्रिंसिपल वेरी एक्सिस। गुड वेरी गुड वेरी गुड, फुल मार्क्स, 100 मार्क्स। सो इस नेचर को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरा क्वेश्चन है दिलप्रीत से, दिलप्रीत बच्चे आपने ये बताना है कि ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो लेंस में गुजरने के बाद कहां से निकलती हुई बताई थी आपने रूल्स के मुताबिक, अभी अभी रूल्स लिखाए थे।
माइक तो ले लो, सुनता ही नहीं है, माइक लो। हाँ बट बट शाबाश, बहुत अच्छे, आपको भी फुल मार्क्स। इस बच्चे ने बोला है कि सर ये फोकस में से गुजरेगी, लेकिन बेटे अगर मैं इसके इस फोकस को यूज कर लेता हूँ, ध्यान से पहले तो हम फोकस बना लेते हैं दोनों तरफ, ए इक्वी डिस्टेंट, ये भी बना दिया फोकस और इधर भी बना लिया, और जितनी दूर फोकस होता है उससे ये देखो बराबर है क्या, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये ज्यादा हो गया, ये यहां बनाते हैं फोकस, ठीक है, और जितनी दूर फोकस होता है उस उतनी ही दूर क्या होता है सी, आप ध्यान से सुनना। बच्चा कह रहा है सर आपने रूल लिखाया कि फोकस के थ्रू जाएगी, बेटे लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको फोकस के थ्रू दिखा दूंगा तो लाइट तो नीचे को कन्वर्ज होगी, पर टीचर ने पहले दिन कंपैरिजन में क्या कराया था, कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग होता है, ये तो रे ऑफ लाइट को बाहर को फेंकता अंदर को मोड़ता ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है ये डाइवर्ज कहां से करे, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे, किधर को मोड़े, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, यहां से निकालूं, कहां से निकालूं, उसका रूल सुनो। आपने इस वाले फोकस को यूज कर ले, फोकस को यूज करके यहां पर डॉटेड लाइन लगानी हो, जैसे कि मैं ये लगा रहा हूं खास कलर से, और इस डॉटेड लाइन को इसके साथ जोड़ना है स्ट्रेट लाइन, जोड़ दिया, और फिर ओरिजिनल रे ऑफ लाइट जो हमारी येलो कलर में दिखा रखी है उसको इसी की सीध में एक्सटेंड कर दे, इज दैट क्लियर। थोड़ा सा हम यहां पर लेंस के साइज को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा फिगर अच्छा बन सके, लेट मी यूज द इरेजर वंस मोर, हियर आई हैव टेकन व्हाइट कलर टू ड्रॉ द लेंस, एज यू सी। अब हमने गौर से देखो, अब ये जो हमने पिंक कलर की लाइन ड्रा करी है इसी को इसी की सीध में येलो लाइन एक्सटेंड करनी है, देखो ये क्या हो गया, अगर कोई इंसान यहां से खड़ा होकर देखता है तो उसकी आंखें सोचेंगी स्ट्रेट लाइन से लाइट आ रही है, लेकिन आती कहां से दिखेगी, फोकस में से। ओके दूसरी बात, शाबाश, अब मैं एक और रे ऑफ लाइट ड्रा करने लगा हूं, कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि इस लाइट रे की खूबी क्या है, ये कौन बताएगा मेरे को, सेवंथ ई में एकम और जोबन प्रीत, प्लीज कम ऑन द माइक, एकम और जोबन प्रीत, भाई आपका टीचर ग्रीन कलर से एक इंसिडेंट लाइट ड्रा कर रहा है जो कि ऑप्टिकल सेंट, ओहो मेरे से ही बोला गया, इस रे ऑफ लाइट की स्पेशलिटी क्या है, इट पासिस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, चलो बेटे आप बताओ ऑप्टिकल सेंटर्स में से जा रही लाइट किधर को मुड़ेगी, कौन, वही दो बच्चे आ जाओ एकम और जोबन प्रीत माइक पर है, बेटे बिल्कुल आपसे मैंने पूछा था माइक पर आ जाओ, एकम और जोबन प्रीत मेरे को दिख नहीं रहे, मैं हाँ अब दिख रहे हैं, बेटे आपको टीचर ने अभी अभी एक रूल लिखाया था पिछली डायग्राम में, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गुजरती है वो मुड़ती है, ये किधर को मुड़ती है या नहीं मुड़ती, व्हाट इज योर आंसर, स्ट्रेट शाबाश वेरी गुड, योर गुड नाम योर गुड नेम, बेटे सर जोवन प्रीत जोवन प्रीत के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए प्लीज, बहुत ही बढ़िया, बैठो बैठो एकम, एकम बच्चे अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को यहां से एक्सटेंड कर दूं ये वाली, तो ये ग्रीन लाइन और येलो लाइन तो कहीं से काटी नहीं हुई, येलो रे ऑफ लाइट और ग्रीन रे ऑफ लाइट इधर से तो काटी नहीं हो रही, ये बाहर को चले जाएगी ये उधर को चले जाएगी, कटिंग हो ही नहीं रही, पर फिर भी एक जगह पर इनकी इंटरसेक्शन थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बताओ कहां पर दिख रही है,
शाबाश, ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ पर? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बताओ कौन? के फोकस फोकस के पास से, ये वाली, यस ना, यही कह रहे हो? से। यस यस यस, यू आर राइट बच्चे, शाबाश, फुल मार्क्स टू आप, आपको भी। तो यहां पर जब रे ऑफ लाइट कट कर रही है, शाबाश, तो ये दोनों रेज हेड से चली हैं, तो हम यहां पर एक इमेज बना देंगे। लेट मी मेक इट विद द येलो कलर। मैं यहां पर इमेज बना, गौर से देखो, ये इमेज यू येलो कलर का बन गया, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट टीचर ने रिप्रेजेंट करा हुआ है व्हाइट कलर से, और ऑब्जेक्ट के हेड से चली हुई रेज ऑफ लाइट ने हेड बनाया। कौन बच्चा मेरे को बताएगा क्लास में? ये तो दिख ही रहा है कि इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज साइज इज लेसर देन ऑब्जेक्ट साइज, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? और इसका हेड ऊपर को है, इसका हेड ऊपर को है, ये भी ठीक है, मतलब कि इमेज इज इरेक्ट। दूसरे कुछ कुछ बुक्स में आपको अपराइट लिखा हुआ भी मिलेगा, दोनों में से एक शब्द लिखो। कौन बच्चा सारी क्लासों में ओपनली मेरे को बोल्डली बताएगा कॉन्फिडेंस से कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल? वर्चुअल क्यों क्यों बताओ क्यों, फटाफट फटाफट, कोई एक आधा बच्चा बता पाएगा, बेस्ट इंटेलिजेंट, व्हाई इज इट वर्चुअल? भाई सर, क्योंकि ये एक्सटेंडेड लाइन से बनी वाह, कौन है ये बच्चा? भाई मेरे को शक्ल दिखा दो, 7th ही में है शायद। बटे, व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड नेम? मैम। ईशान ईशान बच्चे के लिए सारी क्लासों के सारे बच्चे जबरदस्त क्लैप कर, शाबाश बेटे मेरे, फुल फुल मार्क्स, ब्रेवो। इस बच्चे ने नोट करा कि सर आपने ये पिंक कलर की लाइन तो वो है जो आंख सोचती है यहां से आई, ये डॉटेड दिखाई है, ये तो एक्सटेंडेड रे है, और आपने हमें पढ़ाते हुए रूल सिखाया था कि अगर एक भी एक्सटेंडेड रे आ जाए इंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो बनने वाला इमेज रियल कभी नहीं होता, वो सिर्फ महसूस होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, वो वाला इमेज वर्चुअल होता है, वर्चुअल, करेक्ट? क्या आपको कॉनकेव लेंस के लिए बनाया हुआ रे डायग्राम समझ आ गया? वेव योर बोथ हैंड्स इफ यस प्लीज। बेटे आपको टीचर को बताना होता है, अगर समझ आ गया, गुड 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 गुड। एक बात और, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए एक ही रे डायग्राम होता है, बस एक ही होता है, और कोई होता ही नहीं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ज्यादा थे, वो मैंने आपको बनवा दिए पहले, ओके राइट? एक छोटी सी बात याद रखनी है कि इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वी। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यू। फोकस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एफ। और तीनों में टीचर ने क्या फार्मूला सिखाया था? ये याद रखना है फार्मूला सारी, ये आपके अब भी काम आएगा, आने वाली क्लासों में भी काम आएगा, लेकिन खास बात क्या बताई थी? लेंस वाले फार्मूले में यू के आगे माइनस लगाना है। मेमोरी टूल क्या बताया था? एल के अंदर माइनस छुपा हुआ है, लेंस के फार्मूले में ये बनाना है। इसका नाम क्या था? लेंस इक्वेशन। अगर ये माइनस को हम हटा दें, माइनस को, तो ये वाला फार्मूला स्फेरिकल मिरर्स के लिए लग जाएगा, तब उस फार्मूले को मिरर फार्मूला बोलेंगे। लेंसेज के लिए माइनस लगाना है तो इसको लेंस इक्वेशन बोलना है, लेंस फार्मूला नहीं बोलना, लेंस इक्वेशन। वैसे जिस साइंटिस्ट ने इसमें दिया था उसका नाम गाशियन था, इसलिए पूरा नाम इसका गाशियन लेंस इक्वेशन, गाशियन लेंस इक्वेशन। आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, कल का लेक्चर हम कलर्स के ऊपर लेंगे, कलर्स, कलर्स के ऊपर बहुत ही मजेदार लेक्चर है, कोई मिस ना करे। और आज का हम लेक्चर वाइंड अप करता हूं, अब टीचर को लास्ट में एश्योरेंस दे दो, सभी बच्चे ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करेंगे अगर आज का लेक्चर समझ आए। दिस इज ए सिंबल फॉर मी, मेक ए फिस्ट साइन, हाँ शाबाश, लेट्स मीट टुमारो।
नॉट टुमारो, डे आफ्टर डे टुमारो. आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नॉट टुमारो. थैंक यू, बाय बाय. हाय सर. हाय.